आप लोग देख रहे हैं कराची के अंदर फ्रियाल के अंदर जो मेरिट होटल के बिल्कुल सामने है वहाँ पर कराची अपना ह्यूमिनिटी फाउंडेशन वाले और द ह्यूमिनिटी सब कह रहा है कि दोनों की टीमों ने मिलकर के इंदस हॉस्पिटल के टाउन से एक कैंप का आयोजन किया है। अब ये दिखाते हैं हम आपको श्री विश्वनाथ देखें कि सनातन सर्वेंट के हमारे पुरुषोत्तम साहब जो कि माइनॉरिटी न्यूज़ के मेंबर भी है वो इस वक्त इस न्यूज़ की कवरेज भी कर रहे हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले तो उनको सर ये बस दिखाइए कि ये कौन सी बस है और ये क्या काम कर रही है। आप ये देखें ये इंडस हॉस्पिटल की एक बस है जो कि यहाँ फिरियाल हॉल में आई हुई है। जैसे हमारे तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि देखिए इस वक्त जो है ना पीछे हमारे साथ में बस नज़र आ रही है आपको, पीछे आपको हमारे साथ ये एक बस नज़र आ रही है। ये बस के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है और ह्यूमिनिटी सब कह रहा है कि टीम के लोग इंडस हॉस्पिटल के और हिंदू फाउंडेशन के लोग जो है हमारे साथ क्या वर्क कर रहे हैं इस वक्त हम आपको दिखा दें। आइए अंदर आप बस जॉइन बनने जाओ बस। ओके अम्मा है मैम इस वक्त जो माइनॉरिटी न्यूज़ के रिपोर्टर भी है मिस्टर पुरुषोत्तम साहब जो कि सनातन सर्वेंट के मेंबर भी हैं वो इस वक्त कवरेज भी हमारे साथ कर रहे हैं। इस वक्त वो आपको दिखा रहे हैं अपने इस कैमरा के थ्रू कि देखिए द ह्यूमिनिटी सब तेरा ही की टीम और प्लस हमारे हिंदू फाउंडेशन की जो टीम है हमारे विशाल गणेश साहब भी इस वक्त मौजूद है, अमर भी है, कविता भी यहाँ पर मौजूद है। तो आगे की चीज़ें जो है आपको अमर कविता और ये सब बताएंगे। जय श्री राम और अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले कहूँगा कि आज का जो कैंप लगा है वो लोगों की भलाई के लिए लगाए हैं कि लोग इस चीज़ को समझें और गौर करें इस पर, क्योंकि इसमें आपको ना कोई पैसा देना है ना कोई आपने डोनर देना है, ये सारा ब्लड फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सारा इंडस की तरफ से हुआ है। और हमने कैंप इसीलिए लगाया था कि लोगों को जितनी परेशानी ब्लड में होती है वो ना हो, सिर्फ और सिर्फ सैंपल देना है वहाँ पर और उसके बाद इंडस की गाड़ी खुद ब्लड पहुँचा के जाएगी, चाहे वो नेगेटिव ब्लड हो चाहे वो पॉजिटिव ब्लड हो। थैंक यू वेरी मच। चलें जय श्री राम जय माता की। मैं भक्तिता ह्यूमिनिटी फाउंडेशन से विशाल गणेश और जैसे कि आपने देखा कि आज हमने ब्लड कैंप लगाया हुआ है और आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग आके हमें सपोर्ट करें। और एक और बेनिफिट है हमारी कॉम के लिए कि जैसे कि अगर हमें कोई आके डोनेट करता है तो उसके लिए ये बेनिफिट है कि अगर उसको इन केस ब्लड की नीड पड़ जाती है तो वो इंडस वाले जो है हमें सपोर्ट करेंगे और गाड़ी उनकी खुद आके हमें ब्लड दे के जाएगी। तो आप लोग से सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करें ताकि हम लोग आगे भी इस तरह के और काम करते रहे। जैसे हम देखिए हम आपको आगे लेकर चलते हैं जहाँ पर इंडस हॉस्पिटल के भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तो आपको दिखाते हैं कि सर यहाँ पर क्या वर्क हो रहा है और वो लोग किस तरह से काम करें। आइए सर अपना इंट्रोडक्शन कराइए। मेरा नाम अहमद गनी है और मैं तालुक इंडस हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट ऑफ ब्लड सेंटर से और हम यहाँ पर जो है वो कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं हमारे इंडस हॉस्पिटल में चिल्ड्रन कैंसर के पूरे डिपार्टमेंट है उनके बच्चों के लिए रोज़ाना की बुनियाद में ब्लड की जरूरत पड़ती रहती है, उनके लिए हम ब्लड अरेंज कर रहे होते हैं इंडस अपने पेशेंट्स के अलावा अपने हॉस्पिटल्स के अलावा और भी मजीद हॉस्पिटल्स में जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर क्वालिटी ब्लड फराहम कर रहा है, जिसमें बहुत सारे हॉस्पिटल शामिल हैं, जिसमें किडनी सेंटर है, काफ़ी तरह से सेंटर्स हैं और ब्लड सेंटर है, कुछ और हॉस्पिटल्स हैं कि जहाँ की पेशेंट्स की डिमांड की जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पूरा किया जा रहा होता है। सर और ये सारा का सारा जो है वो इन वॉलंटरी डोनर्स की वजह से ये पॉसिबल हो रहा है। सर ये बताइए कि द ह्यूमैनिटी सब तेरा है और ये जो फाउंडेशंस के जो बच्चे इसमें काम कर रहे हैं इनके साथ में काम करके आपको कैसा लगा? ह्यूमैनिटी सब तेरा है का जो ये ग्रुप है इनके साथ हमारी पहली कोलैबोरेशन है और बहुत एंथुसियास्टिक बहुत जज्बात के साथ माशाल्लाह ये लोग काम कर रहे हैं। एक हफ्ता पहले हमारी ये सारी कम्युनिकेशन हुई थी लेकिन जिस रैपिड रिस्पॉन्स के साथ इनकी टीम ने काम किया है, जिस तरीके से यहाँ पर लोग जो है वो सुबह दोपहर एक से लेकर अभी तक आ रहे हैं जो मस्जिद अभी तक आ रहे हैं माशाल्लाह वो बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। हम सब जानते हैं कि नॉर्मली लोग हमारे यहाँ जो कल्चर है उसमें एक्सचेंज में अस्पताल जाने के लिए तैयार होते हैं लेकिन रजाकारन तौर पर जिसमें पता ही नहीं कि हम किसके लिए बैठने के लिए जा रहे हैं, असल यही है कि रजाकारन तौर पर निकलना और जाके डोनेट करना और वो भी छुट्टी वाले दिन अपना टाइम निकाल के, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसके पीछे ऑफकोर्स जो हमारे होस्ट पार्टनर हैं ह्यूमैनिटी सब तेरा है इनका बहुत बड़ा किरदार है, उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। जय श्री राम। मैं पुरुषोत्तम मिट्टल मकवाना सनातन सर्वेंट का एक सेवादारी और माइनॉरिटी न्यूज़ का भी एक छोटा सा मेंबर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे अशोक भाई और इंडस हॉस्पिटल के जो हमारे मेंबर हैं वो और हमारे अमर भाई ये तीनों यहाँ मौजूद है जो
जो ह्यूमैनिटी सब तेरा ने जो कारकर्दगी दिखाई है यहाँ पर अंडस हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेशन करके हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत आसान सा जो ये है ना एक छोटा सा मैसेज कन्वे किया है इन्होंने वो है ब्लड दान के थ्रू। तो ब्लड दान दें और ह्यूमैनिटी सब तेरा को भी सपोर्ट करें। अच्छा, इंडस हॉस्पिटल में जाके अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं जिसमें आपकी फैमिली को, अगर आप एक बंदा रजिस्टर्ड होगा आपकी पूरी फैमिली को फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड मिलेगा। और पाकिस्तान ह्यूमैनिटी फाउंडेशन से हमारे अज्जे भाई भी यहाँ मौजूद हैं, इनका भी इनकी भी यहाँ सेवा है और हमारे अशोक भाई माइनॉरिटी से भी है। तो मैं तमाम कम्युनिटी को ये मैसेज दूंगा कि इंडस हॉस्पिटल, ह्यूमैनिटी सब तेरा और पाकिस्तान ह्यूमैनिटी फाउंडेशन को सपोर्ट करें। जय श्री राम, जय माता की, पाकिस्तान जिंदाबाद। वालेकुम, नमस्ते। तो सर, इस वक्त आप लोगों ने जिस तरह देखा कि इंडस हॉस्पिटल के लोग जिस तरह हमारे साथ में खड़े हुए हैं और ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के लोग हमारे साथ में खड़े हुए हैं, द ह्यूमैनिटी सब तेरा के लोग जो खड़े हैं, इन सब लोगों ने जो मिलकर यहाँ पर एक खिदमत एक हल्का जो है ना सिस्टम शुरू किया है। इसमें से कोई भी यहाँ पर बिजनेस लेवल पर नहीं आया बल्कि ये कम्युनिटी आवाम की जो है खिदमत के लिए। अच्छा, और इसमें सेकंड नंबर पे चीज़ ऐसी भी है कि यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम का कोई सेटअप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक इंसानियत के हवाले से काम कर रहे हैं। जैसे भी आप लोगों ने देखा कि कुछ दिन पहले गणेश उत्सव हुआ जो कि स्वामीनारायण से लेकर तो नेटी चटी पे, वहाँ पर भी जो है ह्यूमैनिटी फाउंडेशन और ह्यूमैनिटी सब तेरा है, इन सब के बच्चों ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा खिदमत वगैरह की है। तो इसके लिए जो है, इसके लिए भी हम उन सबको अप्रिशिएट करते हैं। शायद उस वक्त इनकी कवरेज वगैरह हो सकता है ना हो पाई हो, लेकिन जितने भी गणेश उत्सव के अंदर भी ह्यूमैनिटी सब तेरा है, बाकी जो ह्यूमैनिटी फाउंडेशन हैं और लक्ष्मी नारायण जो कमेटी है, उन सब ने वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा खिदमत की, साथ में यूथ से सेवा समाज ने भी बड़ी खिदमत की। तो उन सबको जो है अप्रिशिएट करते हैं। और आप देख रहे हैं हमारी कम्युनिटी के जो बच्चे हैं इस वक्त बढ़ चढ़ कर, चाहे वो गणेश उत्सव हो या ब्लड कैंप्स वगैरह हो, इसमें सब भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। नमस्कार, जय माता दी, जय माता दी।